नमस्कार प्रणाम, मैं हूं नेहा बंसल, द स्टार न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखते हैं क्या है आज की फिल्मी खबर। तो भगवान को अपन आसन देते हैं, पुष्प और हृदय रूपी ऐसा भाव करना है बेन जी, ठीक है। हरि ओम महागंग गणपते नमः। एकदंताय धीमहि बुभ्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात। अह स्थापित देवताय विनमः। ध्यानार्थे आसनादि अक्षतानां सप्तपक्षोति अक्षतानां पुष्पमाले बाल बना दीजिए ना। अरे ठीक है। पोस्ट चेंज करते रहो दो दिन। इसमें करते रह जाए सब। थोड़ा सा पूजा लग पूजा करने आ गई मतलब यार ठीक है ना, फिल्म लाइन से हाँ हाँ ये वही ना बस। बढ़िया बात, सबसे पहले तो मैं शगुन दुबे अपने तमाम भोजपुरिया जनता जनार्दन को हाथ जोड़ के कोटि कोटि प्रणाम करती हूँ, और अपने सभी दोस्तों को बताना चाहती हूँ कि आज मेरा अपना नया घर का गृह प्रवेश है, और उसके साथ में पूजा है, और साथ में एक फिल्म का अपना मुहूर्त भी है। तो क्या कहना चाहेंगे फिल्म के बारे में और फिल्म के बारे में? यही बोलूंगी, फिल्म का टाइटल है चिनप्पा, और बहुत अच्छा है। एक ऐतिहासिक घटना, सभी लोगों ने एंशिएंट हिस्ट्री सब लोगों ने पढ़ा होगा सारी चीज़ें, तो उसमें एक प्राचीन इतिहास काल की कहानी है, बहुत ही अच्छा है और मज़ा आएगा पब्लिक को। तो मैं सोची कुछ अलग होना चाहिए, बिकॉज भोजपुरी में जितनी भी फिल्में आती है सेम वही ठाकुर, तो वही मतलब सारी चीज़ें वही रहती है, तो थोड़ा सा कुछ अलग है, मज़ा आएगा सबको देख के। फिल्म का नाम सुनकर तो टाइटल भोजपुरी से बिल्कुल ही अलग है। बिल्कुल बिल्कुल अलग है, बिकॉज चिनप्पा जो है वो मतलब चीन की कहानी है, एंशियंट हिस्ट्री जितने लोगों ने पढ़ा है प्राचीन इतिहास का, तो उसमें एक चिनप्पा एक महल है, और चिनप्पा जो होता है हमारे भारतवर्ष का होता है, जो वहाँ पे जाके वो महल को अपने राज्य में लाता है, तो बस उस पे ही उसी का हमने नाम। शूटिंग कहाँ कहाँ पे होने वाली है? फिल्म की शूटिंग हम चित्तौड़गढ़ में करेंगे एंड कुछ उत्तर प्रदेश में करेंगे। चीन का नाम है तो चीन के अब वो चीन में तो हम वो सभी की तरह बड़ा बड़ा नहीं बोल सकते हैं कि चीन तो यहाँ चले जाएंगे, चीन में नहीं जाएंगे, बट हमारी पूरी कोशिश रहेगी, पूरी प्रयास रहेगी कि हम चीन जैसा जो भी चीजें डिमांड है उस तरीके से पूरा अच्छा करके देखें। आपका किरदार क्या है और आपका जो अपोजिट एक्टर जो है वो कौन है, नाम बताओ। हाँ जी बिल्कुल, अभी तो एक नाम बिल्कुल मैं अभी आपको क्लियर नहीं करूँगी, बिकॉज समझ सकते हैं थोड़ा सा, बट एक आपका फिक्स है आनंद मिश्रा, जिनके अपोजिट वो जो अभी लॉन्च हो रही है, और इसमें मेरा किरदार ऐसा है कि मैं अपने भारत की रहती हूँ और कैसे कैसे लड़ाई करके सैनिकों को पूरा ट्रेन करती हूँ, मतलब पूरा वो जो फाइट है सारी चीज़ें पूरा कराटेबाज रहती हूँ। तो फाइट के लिए आपने कितनी तैयारी की है? फिलहाल तो अभी तैयारियाँ नहीं की है, बट स्टार्ट है। पहले भी मैं एक फिल्म करी थी उसमें थोड़ा दीवाना, तो उसमें थोड़ा सा कुछ मेरा था, तो उसके लिए मैं तैयारी की थी, बट अभी इसके बाद दर्शकों से यही कहूंगी कि मेरी फिल्मों को, मेरी जो भी फिल्में आ रही है या ये चिनप्पा, इसको ढेर सारा अपना प्यार दे, और जैसे सभी की फिल्मों को आप कामयाब बनाते हैं, सफल बनाते हैं, वैसे मेरी भी फिल्मों को आप सफल और कामयाब बनाए। हमारे चैनल की तरफ से आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, नया घर लिया आपने, आज पूजा भी रखा है, थैंक यू सो मच। बताइए क्या है? बिल्कुल अच्छा लग रहा है, काफी बीच में ही मैं पूजा करने वाली थी और इसकी घोषणा भी करने वाली थी, बट खरवास की वजह से नहीं कर पाई, तो आज मुझे बहुत ही खुशी हो रहा है कि आज मैं अपने घर पे नए घर में एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट करने जा रही हूँ, और साथ में फिर आप लोग का प्यार दुलार, और आप लोग का अगर प्यार दुलार बना रहे तो फिर तो सारी दुनिया अपनी मुट्ठी में है सब कुछ। मुंबई जैसे शहर में खुद का घर बनाना कितना कठिन होता है, कितना मुश्किल? जी बिल्कुल होता है, बहुत कठिन होता है, ऐसा नहीं है, बहुत ही ज्यादा। आज कितने लोग हैं, किस परिस्थिति में सब लोग रहते हैं, तो अगर हम बॉम्बे में एक अपना छोटा सा कहीं भी ले रहे जगह भी ले लेते, घर ले लेते, वो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होती है, महल जैसी बात हो जाती है। सुगनी बात करें, जैसे 2018 की शुरुआत हुई है और नए साल की शुरुआत में काफी खुशियां साथ लेके आती है, और एक उमंग होता है मन में और ढेर सारे सपने सजा लेते हैं कि नए साल में ऐसा वैसा करेंगे, तो आपका क्या ड्रीम है नए साल में और शुरुआत कैसे हुई? मेरा तो बस नए साल में यही ड्रीम है, मेरी शुरुआत बस यही हो रही है, एक अच्छे सब्जेक्ट से शुरुआत हो रही है, एक नए घर, एक अच्छी चीजों से शुरुआत, बस यही कोशिश है, ये तो नहीं चार पाँच बट 2-3 फिल्में करने की कोशिश करूंगी और सभी को। तो इसके अलावा और कौन कौन मूवी है? हाँ जी है ना, अभी इसके बाद एक और भी है, आप लोग को नाम पता भी होगा उसका, और मैं उसको बोलना जरूरी भी नहीं समझती, आपने ही उसका इंटरव्यू लिया था,
तो ऐसे बाहर के भी दो प्रोजेक्ट है और अपना भी दो बैंड मतलब हाँ बिल्कुल आने वाली हूँ बिल्कुल, हमारे उस पर तैयारी भी चल रही है, बट थोड़ा सा उनका मुझे बोला गया है कि थोड़ा सा बेटा रुक जाओ, साथ में हम होंगे तब हम घोषणा करेंगे तो ज़्यादा मज़ा आएगा, तो इसलिए सरप्राइज आप लोग के लिए मतलब एक धमाका आएगा, अच्छा सा लगेगा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों से यही कहूँगी कि इस शगुन दुबे को आप प्यार दुलार दीजिए, जैसे सभी हीरोइनों को बाकी सभी को दिया है, मुझे भी दीजिए। वैसे भी तो आप लोगों को तो पता होगा शगुन दुबे तो खैर इंडस्ट्री में काफ़ी लोग। नमस्कार, मेरा नाम हिमानी अग्रवाल है, मैं यूपी से हूँ, लखनऊ से। आपकी नई फिल्म आ रही है, पहली फिल्म लॉन्च हो रही है, आप क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से? मैं ये कहना चाहूँगी मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ये मेरी फर्स्ट मूवी है इन भोजपुरी में, सो नया एक्सपीरियंस रहेगा, नई चीजें रहेंगी, तो देखते हैं। किस तरह की फिल्म है आपका ये? ये एक महाराजा महारानी टाइप की स्टोरीज हैं इसमें, तो बहुत नई नई चीजें मिलेंगी करने को। सुनने में आया कि चाइना में शूट होने वाले इससे कुछ दिन और चाइनीज कहानी पे आधारित है, तो आपने कितनी तैयारियां की हैं इसके लिए, और चाइनीज में फाइटिंग भी होता है तो उसके लिए भी कुछ तैयारियां चल रही है? जी तैयारियां चल रही हैं, बहुत अच्छे से चल रही हैं, कई कुछ नया सीखने को मिल रहा है, सो ट्राई कर रहे हैं हम अपना बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं। भोजपुरी भाषा की फिल्म कर रही हैं, आपको भोजपुरी बोलना आती है? मुझे थोड़ी थोड़ी आती है, बट मुझे प्रॉपर वे में नहीं आती है, बट मैं बहुत ट्राई कर रही हूँ कि मैं पूरी सीख लूँ और बहुत अच्छे से काम करूँ। मुश्किल होगा भोजपुरी में काम करना आपके लिए? मुश्किल नहीं है, बहुत अच्छी लैंग्वेज है, बहुत अच्छी है, तो इजी रहेगा, बट थोड़ा सा मेहनत की जरूरत है तो हो जाएगा। भोजपुरी फिल्मों में आप किसको लाइक करते हैं, किसके तरह से बनना चाहती हैं? मनोज तिवारी बहुत अच्छे हैं एक्टर, तो कई बहुत सारे एक्टर्स हैं भोजपुरी में बहुत अच्छे हैं, सो मैं भी ट्राई करूंगी। हीरोइन कौन सी अच्छी लगती है आपको? हीरोइन सारी अच्छी हैं वैसे तो, ऐसा नहीं है। भोजपुरी पे कोई गाना गाना चाहेंगे आप? एक्चुअली अभी तो नहीं, क्योंकि अभी आई डोंट नो क्या रहता है भोजपुरी का, बट मैं याद करके नेक्स्ट टाइम पक्का आपको सुनाऊंगी। प्रोड्यूसर के बारे में क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे शगुन के साथ काम करके, तो ये मेरी फर्स्ट मूवी है, काफी लोग नए जुड़ रहे हैं, तो बहुत अच्छा लग रहा है। कितना सपोर्ट मिल रहा है इस फिल्म का आपको? बहुत सपोर्ट मिल रहा है, बहुत ज्यादा। दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे अपने जो? बस यही कहना चाहूंगी, पहली मूवी है, बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो प्लीज जरूर देखिएगा। सबसे पहले आप सभी लोगों को प्यार भरा नमस्कार, मैं हूं आनंद मिश्रा और हमारे जितने भी मीडिया गण यहां पे आए हैं सभी का मैं बहुत बहुत आभारी हूं, और आप लोग से बस इतने कहना चाहता हूं, नया वर्ष है और नई कामना के साथ एक नई जोश सभी लोगों का, और इसी तरह आप लोग सभी लोग आगे भी बढ़िए नए वर्ष में। जी कहिए, नए साल की शुरुआत कैसे हुई है और आज कहाँ पे हैं और क्या कर रहे हैं? नए साल की शुरुआत बहुत ही अच्छा है, क्योंकि अभी मेरी दो फिल्में रिलीज होने के लिए लगातार जा रही है, सॉरी तीन फिल्में हैं मेरी, कहानी काशी की, सुन ले पुकार भोलेनाथ और दिल के करीब जब से आ गलू तू, और मैंने नए साल में आते आते एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म किया है बहुत अच्छा, पेनिस यानी पनिस, बहुत अच्छी फिल्म है और हिंदी है और अच्छा किया है मैंने, और सबसे अच्छी बात क्या है कि अभी एक फिल्म का बहुत अच्छा अनाउंसमेंट है जो मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, फिल्म का नाम है चिनप्पा, नाम ही अद्भुत है चिनप्पा, बहुत अच्छा रोल निभा रहा हूँ, मेरे साथ में शगुन दुबे हैं, हिमानी अग्रवाल है, बहुत अच्छा फिल्म बन रहा है और बैनर भी है ACI शगुन फिल्म्स और प्रोड्यूस भी कर रही है शगुन जी, तो बहुत अच्छी फिल्म है और ऐतिहासिक फिल्म है, मैंने इतनी सारी फिल्में किया उस फिल्मों से सबसे अलग हटके ये फिल्म बन रही है। क्या किरदार होगा आपका इसमें? आप लोग ने मुझे ज़्यादातर भगवान के फिल्मों में ज़्यादा देखा होगा, माता रानी कर दा बेड़ा पार और उसके बाद सुन ले पुकार भोलेनाथ आ रही है मेरी, इसमें एक अद्भुत है, मतलब एक ऐतिहासिक है, आप पिछले जन्म भी जा सकते हैं, पिछले जन्म से पुनर्जन्म में भी जा सकते हैं, वो सारी चीज़ें इसमें दिखेगी, और ऐसा भी नहीं कि फिल्म के अंदर गंदगी होगा या ऐसा कुछ भी नहीं है, सभी लोग पूरे परिवार के साथ बैठ के इस फिल्म को देख भी सकते हैं, फिल्म का नाम भी है चिनप्पा। चिनप्पा नाम क्यों रखा गया, क्योंकि जिसका नाम आते ही लोग सोचते हैं कि नाम क्या है, जो नहीं जानते हैं तो वो तो बहुत से खुलाएंगे। आपका कहना बहुत सही है कि लोग नाम को लेकर तो सस्पेंस में रहेंगे कि चिनप्पा, आखिर चिनप्पा क्या होता है, हम आज से 100 साल 1.5-2 साल पीछे जाते हैं तो उन काल में कुछ लोग होते थे अद्भुत टाइप के,
वो अजीब अजीब कपड़े पहनना, उनका अजीब अजीब ड्रेस देखना, कुछ अजीब अजीब चीज़ें, उनका हरकतें देखना, जो ये चीज़ इस फिल्म में दिखेगा आपको चिनप्पा में। कुछ बताना चाहेंगे क्या, सस्पेंस रखेंगे कुछ, राज खोलना चाहेंगे? नहीं, मैं सस्पेंस रखना चाहूँगा, इसलिए सस्पेंस रखना चाहूँगा कि जिस तरह आप लोगों ने मेरी अभी आई थी अपकमिंग फिल्म आई थी जो रिलीज हुई थी, जीता भाव प्यार के बाजी, बलम जी झूठ ना बोली और गैंग्स ऑफ समस्तीपुर, जो मेरी अभी इस साल रिलीज हुई थी, आप लोगों ने जिस तरह मेरी सारी फिल्मों को प्यार दिया है, मेरी आने वाली फिल्म जितने भी रिलीज हो रही है, जैसे कहानी काशी की, सुन ले पुकार भोलेनाथ, दिल के करीब जब से आ गलू तू, और एक फिल्म है जो मैं शूट करने के लिए भी जा रहा हूँ, जिस फिल्म का नाम है चांद के जैसन दुल्हन हमार, जो बहुत जल्दी वो भी शूट के लिए जा रही है, और ये चिनप्पा, मैं इसके लिए खासकर आप लोग से यही कहना चाहूँगा, जब ये फिल्म मार्केट में आएगी तो आप सभी लोग इस फिल्म को जरूर देखिएगा। फिल्म, क्राइम, राजनीति और धर्म से जुड़ी खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द स्टार न्यूज़।